सब्सक्राइब करें देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब हम लोग ये नहीं सोचते कि जल की प्रॉब्लम हो क्यों रही है, क्या भगवान ने देने में कोई कमी छोड़ी है? फिर पानी की कमी क्यों है? फिर जल की कमी क्यों है? देवताओं की तरफ से कोई कमी नहीं है, ये सारी कमी इंसानों की तरफ से है। हमने पृथ्वी पर कोई कच्ची जगह अपने घर में छोड़ी ही नहीं है जहां से जल पृथ्वी में जा सके। जब तक जल पृथ्वी में नहीं जाएगा तब तक वो जल आपको वापस कैसे मिलेगा? मुझे तो ऐसा लगता है भारतीय सरकार को एक रूल बनाना चाहिए कि हर घर में कहीं ना कहीं कच्ची जगह जरूर होगी, जिस कच्ची जगह पर कोई सीमेंटेड वर्क नहीं होगा, और सारे घर का जल उसी जगह पर जाएगा जिससे वो जल पृथ्वी में अंदर जा सके, जिससे पृथ्वी के स्रोत में जल की कोई कमी न रहे और हम लोगों को भी वो जल पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। यहां पर दो तीन चीजें आप सोचिए, क्या बिना जल के आप जी सकते हो? विदाउट वॉटर वी कांट लिव, वॉटर इज आवर लाइफ, जल ही जीवन है। सो प्लीज सेव योर वॉटर, जल की सुरक्षा कीजिए, एक एक बूंद बचाए। कई भाइयों को आपने देखा होगा सेविंग करते रहते हैं, नल का चलता रहता है। कई माताओं को देखा है बर्तन मांजती रहेंगी और नल का चलता रहता है, और आनंद तब आता है जब इनके मुंह पे और शरीर पे साबुन लगा रहता है और पानी खत्म हो जाता है। ले ले, अब ले, अब कर, आनंद आता है। क्यों? क्योंकि जो जल की कीमत नहीं समझता वरुण देव उसे सजा देते हैं। आपको बर्तन मांजने हैं, साफ करने हैं, एक पात्र में जल भर लो और नल का बंद कर दो, तब जाके आप वो बर्तन साफ करें तो जल बच गया। कितना बहने से बच जाएगा उतना ही सेफ हो जाएगा, बच जाएगा, सेव होगा। दूसरा, भाई लोगों को सेविंग करनी है तो मग्गे में पानी ले लो, रख लो, उसे आप जल बचा सकते हैं। और फिर एक निवेदन, जितने घरों में ये जो वो बने हुए ना पेपर वाले, भैया पत्रकारों से कहूंगा ये जरूर छापना, ये जो घरों में टप बने हुए हैं एक एक का टप तोड़वा दो, सब का टप तोड़वाओ। पीने को पानी नहीं है और वहां पशुओं की तरह उसमें लुढ़के पड़े हो, शर्म नहीं आती? गजब की बात नहीं है? बड़े बड़े 5-स्टार होटलों में टब है, ये टब व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। भैंस की तरह लेटे रहते उसमें, पानी पीने को नहीं है उसमें लुढ़के पड़ को, मतलब है कोई? कम से कम पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए करना चाहिए, ज्यादा ज्यादा 2 बाल्टी। और कई लोग तो नल का चला के बैठ जाएंगे समाधि में, मैंने देखा है कई लोग तो हमारी मंडली में ही है, वो नल का गर्मी के दिनों में यू चला लेंगे और नीचे बैठ जाएंगे, ओ वरुण देव निकला, खत्म कर भाई, इतना पानी कहां से लाएगा? एक एक टैंकर बड़ा महंगा आता है, एक टैंकर में एक आदमी नहाएगा तो कैसे काम चलेगा? तो पहली बात, जल को नहाने में भी कम इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा 2 बाल्टी। जिस दिन माताएं बहन शैंपू वैम्पू लगाएं उस दिन 3 कर लो, और क्या। और भाइयों को शैंपू नहीं लगाना चाहिए, गंजे हो जाओगे, बता रहा हूं। ज्यादा शैंपू यूज मत करो, साबुन यूज करो, ठीक है, बढ़िया। तो तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है मेरे प्यारे, सबको अपने अपने हाथों से वृक्ष अधिक लगाने चाहिए। हर एक बर्थडे पे, हर एक मैरिज एनिवर्सरी पे पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ। वृक्षों के लगाने से पृथ्वी माँ का श्रृंगार होता है, और जहां अधिक वृक्ष होते हैं वहां वर्षा भी अधिक होती है, जहां अधिक वर्षा होती है वहां जल स्रोत जो है वो ऊंचा रहता है, वहां पर जल की असुविधा नहीं होती है। इसलिए महत्वपूर्ण, जरूर जरूर महत्वपूर्ण है कि हम वृक्ष भी लगाएं और जल भी सेव करें। कौन कौन मेरी बात से एग्री है नीचे करो हाथ।
कौन कौन आज से मेरी कही हुई बातों को अप्लाई करेगा। जल कम यूज करेंगे, पात्र ऐसे धोएंगे, नहाने में भी ऐसे, कौन कौन यूज करेगा? धन्यवाद। अगर आप इतने में से जितने हाथ उठा रहे हैं अगर आधे भी मान जाएंगे तो मुझे लगेगा मेरा कहना सफल हो गया, लेकिन करना जरूर जिससे नेक्स्ट जनरेशन को जल मिल सके। अभी भी 20 रुपया किलो पानी मिलता है, जिस देश में पानी बिकता हुआ तरक्की की बात कर रहे हैं हम लोग, पानी बिकता है 20 रुपया किलो, शुद्ध पानी पीने वाला मिलता नहीं है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है इस जल की भी सुरक्षा आप लोग करें, और जो मुझे YouTube पे भी सुन रहे हैं प्लीज आप लोग भी इसको अप्लाई करें, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है। आप जल बचाइए, सबसे मेरा आग्रह है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।